भैया, राष्ट्रीय एम्बलम को लेकर के आजकल जो बातें चले कि एक तरफ जो है उसमें दिखाया गया है कि गुस्से में शेर है, एक तरफ हंसता हुआ शेर है, इसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है उसको वोट भी डाल रही है। देखो, जिस प्रकार से लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया शेर अधिक आक्रामक है, शेर के दांत दिख रहे हैं, तो शायद इन लोगों ने दूध पीता हुआ शेर देखा होगा, या इन लोगों ने जो शेर देखा होगा उसके दांत ही नहीं होंगे। लेकिन ये भारत का शेर है और निश्चित रूप से जो शेर की जो कृति है वो सारनाथ से ही में जिस प्रकार की है उसी प्रकार की है, इसमें कोई अंतर नहीं, केवल उनके उनके दिमाग में अंतर है, वो अंतर हमेशा रहेगा। भारत एक धर्म है, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि धर्म को लेकर के जो है जंग छिड़ चुका है। देखो, भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और भारत में रहने वाले जो बहुसंख्यक हैं वो निश्चित रूप से उनका सर्वधर्म संभाव उनके DNA में है। कुल मिलाकर यदि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो कि यहाँ के ऊपर अधिक हैं और सनातन के निकले हुए जितने भी धर्म हैं, चाहे वो बौद्ध हों, सिख हों, जैन हों, तो वो सब कहीं ना कहीं इस परंपरा को मानने वाले हैं। वासुदेव कुटुम्बकम, पृथ्वी पर रहने वाले सारे लोग हमारे हैं, सारे लोग अपने हैं, सारे लोग एक परिवार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ संप्रदाय विशेष के लोग इस प्रकार के हैं जो अपने अलावा दूसरे को देखना ही नहीं चाहते, तो और कहीं ना कहीं जो बुद्ध पूजा करने वाले काफिर काफिर बोलते हैं और काफिरों की हत्या करना अपना धर्म मानते हैं, तो ऐसे लोग यदि धर्म की परिभाषा बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से जो कि खतरनाक है और शायद इसी कारण से विवाद छिड़ा हुआ है। जनसंख्या को लेकर अगर हम बात करें तो कल एक रिपोर्ट भी है, इसमें एक कहा गया है कि आने वाले 2023 में मार्च 2023 तक, लेकिन ये बात सही है कि देखो बढ़ती आबादी और घटते संसाधनों के कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो कि आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए खतरा है और इसके ऊपर तो चिंतन करना ही होगा। यदि हमें भारत के एक बेहतर भविष्य को यदि बनाना है तो जनसंख्या के ऊपर जरूर नियंत्रण करने के हम लोगों को प्रयास शुरू कर देने चाहिए। एक अंतिम सवाल, जब आप द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कहिए, इसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखो, जो लोग अपने पिछड़ा अनुसूचित इस प्रकार की जो लोग बात करते थे, तो कहीं ना कहीं आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे एक बहुत ही निम्न वर्ग की और आदिवासी वर्ग की वो भी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये बड़ा कारण है कि जिसमें दलीय सीमाएं टूट गई हैं और जो NDA के बाहर के भी जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जैसे शिवसेना को ले लीजिए समर्थन दिया है, या झारखंड के जो सोरेन की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने भी समर्थन किया है। तो कुल मिलाकर देखो आप, जिस प्रकार से उड़ीसा के ने भी अपना BJD ने भी समर्थन किया है, या आंध्रा की YSR कांग्रेस ने भी समर्थन किया है, TDP ने भी समर्थन किया है, तो कुल मिलाकर ये तो तमाम जो राजनीतिक दलों का जो समर्थन जो मिला है वो कहीं ना कहीं इसी बात पर मिला है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया, जो शायद पहली बार देश में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। लेकिन संसद में अनुमोदित टिप्पणी को लेकर जारी गाइडलाइन के बारे में विपक्ष को आपत्ति क्यों है? देखो, हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, विपक्ष को उसमें जो है कमी खोजनी है, उसका विरोध करना है। विपक्ष को मोदी विरोध का फोबिया हो गया है और निश्चित रूप से कोई भी कानून देश हित के लिए हो, समाज के हित के लिए हो, हम लोग लाएंगे, उन्हें वो चिल्लाएंगे, तो इसलिए उनका चिल्लाना ही उनका काम है, उनको करने दिया जाए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।